किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से बहुत ही कम खर्च में आप अपनी सोयाबीन की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, पैदावार को दोगुना कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही कारगर उपाय है अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने का। हमने पिछले वर्ष इस फार्मूले को अपनी फसल में उपयोग किया था, जिसका हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला था। तो किसान साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन फसल पर आज का हमारा विषय है एनपीके ग्रेड का सही यूज और मात्रा। अब जो घुलनशील बाटा सेरेवल फर्टिलाइजर मार्केट में आती है, तो उसको हमें अपनी सोयाबीन की फसल पर जैसे 19-19-19, 05-34, 00-50, 12-61-0 और 13-045 जैसी घुलनशील खादों का कौन सी स्टेज पर उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए और इनका प्रति एकड़ डोज कितना है, और साथ ही हम इनकी कीमतों के बारे में भी बात करने वाले हैं। यानी कि किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन की फसल में सही स्टेज पर सही खादों का स्प्रे कर हम अपनी सोयाबीन की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रिक्की दांगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि एनपीके क्या है। किसान साथियों, एनपीके एक घुलनशील वाटर सेलेबल फर्टिलाइजर है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का एक परसेंटेज होता है। जैसे एनपीके 19-19-19 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें समान रूप से 19-19-19 एनपीके का ग्रेड है, जिसका प्रयोग हम स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप बुवाई से लेकर 35 दिनों के बीच में कभी भी कर सकते हैं 1 kg प्रति एकड़ की दर से। इससे आपकी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। इसको आप 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। यह आपको मार्केट में 100 से 150 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कहीं भी मिल जाएगा। एनपीके 19-19-19 के प्रयोग से आपकी फसल की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी एवं आपकी फसल में जो भी खरपतवार नाशी दवाओं के स्प्रे से झटका लगा है, उसे भी ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर देगा। अब आगे बात करते हैं एनपीके 05-34 की। एनपीके 05-34 में नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 52% और पोटास 34% पाया जाता है। यानी कि अधिकतम मात्रा में फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। इसका उपयोग हमें अपनी फसल में फूल बनते समय फ्लावरिंग स्टेज पर 05-34 का स्प्रे करना चाहिए। इसको आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। यह आपको मार्केट में 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एनपीके 05-34 को फूल वाली स्टेज में ही क्यों स्प्रे करें। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, तो उसे सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता होती है और वो एनपीके 05-34 में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो यदि हम इसका स्प्रे अपनी सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग स्टेज पर फूल बनते समय करते हैं, तो हमारी फसल में फूलों की संख्या में अधिकता होगी और साथ ही फूल भी लंबे समय तक टिके रहेंगे। इसके अलावा आप फ्लावरिंग स्टेज पर एनपीके 12-61-0 का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं 00-50 की सही स्टेज और मात्रा की। एनपीके 00-50 में नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0% और पोटास 50% पाया जाता है। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को ये बात पता नहीं है कि इसमें पोटास तो 50% पाया जाता है, पर इसके साथ इसमें सल्फर भी पाया जाता है, जो कि 90% किसान भाइयों को पता नहीं है। किसान भाइयों, इसमें लगभग 12% सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी सही स्टेज की। तो जब आपकी सोयाबीन की फसल में दाने भर रहे होते हैं फलियों की स्टेज पर, जब दाने अधिक से अधिक वजन ले, तो कह सकते हैं कि फ्रूटिंग स्टेज पर फलियों की स्टेज पर हम 00-50 का स्प्रे कर सकते हैं 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आपको मार्केट में 120 से लेकर 150 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आराम से कहीं भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि 00-50 को फ्रूटिंग स्टेज पर ही क्यों स्प्रे करें। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है, फलियां बनते समय हमारी फसल को अधिक मात्रा में पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप एनपीके 00-50 का स्प्रे फलियां बनते समय करते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, ये खादें घुलनशील खादें होती हैं और जब हम इनका स्प्रे अपनी फसल में करते हैं, तो ये तुरंत ही पत्तों के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर लेती है और इनका रिजल्ट भी हमें बहुत ही कम समय में देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, मैंने पिछले वर्ष इनका इस्तेमाल अपनी सोयाबीन की फसल में किया था, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। आप इनको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप ज्यादा नहीं तो कुछ जगह में इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, आपको चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, यही कुछ जानकारियां थी जो कि मैंने आपको दी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।